हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ध्रुबिल और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में ध्रुबिल ऑनलाइन स्टडी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 9th NCERT लेसन नंबर 5 साइंस द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो हमारा बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है, बायोलॉजी का लेसन 1 है। और पूरी साइंस बुक का अगर हम देखें तो वो है लेसन नंबर 5। ठीक है, तो पहले टाइटल पे आते हैं कि टाइटल क्या है हमारा, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो मान लो हमारे आसपास एक बिल्डिंग है, एक इमारत है और उसमें बहुत सारी ऑफिसेस, बहुत सारे घर या फिर बहुत सारे शॉप्स हैं। ठीक है, तो वो इमारत जो है उसका सबसे बेसिक पार्ट क्या है, मतलब बेसिक पार्ट मतलब वो कौन सी चीज़ से बना होता है, ठीक है, जो उसका बेसिक यूनिट है। ठीक है, वो फंडामेंटल यूनिट उसको कहा जाता है, बेसिक यूनिट मतलब फंडामेंटल यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट उसका कौन सा है ये इमारत का, वो है एक ब्रिक। ठीक है, एक ब्रिक होता है, उस ब्रिक से ये पूरी की पूरी इमारत खड़ी होती है। ठीक है, वैसे ही सेम चीज़ क्या होती है, वैसे ही सेम चीज़ अगर हम देखें, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम देखें हमारी बात कर लेते हैं इंसान, ठीक है, इंसान, तो इंसान का फंडामेंटल यूनिट क्या है, मतलब बेसिक यूनिट क्या है, इंसान का फंडामेंटल यूनिट क्या है, फंडामेंटल यूनिट हमारा क्या है, सेल। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट क्या है, सेल। तो वैसे ही सारी लाइफ का, मतलब जिसमें भी कोई भी ऑब्जेक्ट में लाइफ हो उसका फंडामेंटल यूनिट है हमारा सेल। ठीक है, तो ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के चैप्टर को हम भी सेल भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये पूरा चैप्टर सेल के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। चैप्टर का फर्स्ट पैराग्राफ है, व्हाइल एग्जामिनिंग अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, रॉबर्ट हुक सॉ दैट द कॉर्क रिसेम्बल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ द हनीकॉम्ब कंसिस्टिंग ऑफ मैनी लिटल कंपार्टमेंट्स। कॉर्क इज अ सब्सटेंस विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री। ठीक है, तो एक रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे, एक फिजिसिस्ट थे और एक बायोलॉजिस्ट भी थे। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने क्या देखा, रॉबर्ट हुक ने बनाया एक माइक्रोस्कोप, खुद का माइक्रोस्कोप उन्होंने बनाया। और खुद का माइक्रोस्कोप बनाने के बाद उनको लगा कि ये तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखता है, मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें दिखता है। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, मतलब एक कॉर्क जो होता है ना, ट्री में कॉर्क होता है। ठीक है, ट्री में जो कटा हुआ जो होता है ब्लैक ब्लैक कलर का, वो क्या होता है, कॉर्क होता है। अभी उन्होंने देखा कि कुछ ऑब्जर्व कर दिया जाए कि कुछ ऑब्जर्व करेंगे तो कुछ नया पता चल जाएगा उनको। तो रॉबर्ट हुक ने एक कॉर्क को एग्जामिन किया, मतलब उसको देखा, फिर उन्होंने देखा कि ये तो हनीकॉम जैसा स्ट्रक्चर है। अभी हमें दूर से देखे उसको कॉर्क को तो हनीकॉम जैसा स्ट्रक्चर नहीं दिखता हनीकॉम जैसा, बट जब उन्होंने माइक्रोस्कोप से उसको देखा तो वो हनीकॉम जैसा स्ट्रक्चर इनको दिखा, जिसमें एक लिटल लिटल कंपार्टमेंट्स हो, जिसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट हो। ठीक है, छोटे छोटे रूम जैसा है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉर्क की डेफिनेशन भी दी गई है, कॉर्क इज अ सब्सटेंस, ये एग्जाम में आ सकता है आपको कि व्हाट इज कॉर्क, कॉर्क इज द सब्सटेंस विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री। ठीक है, दिस वॉज इन द ईयर ऑफ 1665 when हुक मेड दिस चांस ऑब्जर्वेशन थ्रू अ सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप। रॉबर्ट हुक कॉल्ड दिस बॉक्सेस सेल्स। सेल इज अ लैटिन वर्ड फॉर अ लिटल रूम। ठीक है, अभी ये सब चीज कब हुई, तो वो हुई इन द ईयर 1665। तब रॉबर्ट हुक जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सेल्फ डिजाइन, मतलब खुद का माइक्रोस्कोप बनाया और उन्होंने एक कॉर्क में देखा कि वो कैसा लग रहा है। अभी कॉर्क में तो उन्हें छोटे छोटे रूम्स मिले कि वो तो छोटे छोटे रूम्स जैसा दिख रहा है ये तो, उन्होंने बोला कि ये सारे बॉक्सेस को हम क्या बुलाएंगे, सेल बुलाएंगे। अभी सेल क्यों नाम रखा उन्होंने, कि सेल जो होता है, सेल का मतलब लैटिन वर्ड में, लैटिन में हम लोग उनको बोल सकते हैं लिटिल रूम, मतलब छोटा कमरा। ठीक है, दिस मे सीम टू बी वेरी स्मॉल एंड इग्निफिकेंट इंसिडेंट्स बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस। तो ये पहले बहुत छोटा छोटा है, ठीक है, ये सेल बहुत छोटे हैं, बट ये इंसिडेंट ने पूरी साइंस की हिस्ट्री ही बदल दी, मतलब वहाँ से ही बायोलॉजी का पार्ट अपग्रेड होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, अभी देखो, दिस वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम दैट समवन हैड ऑब्जर्व दैट लिविंग थिंग्स अपीयर टू कंसिस्ट अस ऑफ सेपरेट यूनिट्स। ठीक है, ये पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी ने ऑब्जर्व किया
कि जो लिविंग थिंग्स है उसके अंदर भी कुछ सेपरेट यूनिट्स है, मतलब उसके अंदर भी अलग अलग यूनिट्स है। द वर्ड द यूज ऑफ द वर्ड सेल टू डिस्क्राइब दिस यूनिट्स इज बीइंग यूज्ड टिल दिस डे इन बायोलॉजी। ठीक है, तो ये जो वर्ड है जो सेल वो अभी तक यूज होता है बायोलॉजी में, इसलिए तो हम पढ़ रहे हैं ये चैप्टर। ठीक है, ये चैप्टर इसलिए हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी आ रहे हैं व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किस से बनते हैं। ठीक है, एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी में है लेट अस टेक अ स्मॉल पीस ऑफ एन ऑनियन बल्ब। ऑनियन मतलब ऑनियन जो होता है ना प्याज जो होता है, ऑनियन होता है उसको एक छोटे पीस जो होता है उसका, प्याज का जो छिलका होता है ना, प्याज का जो छिलका उसे बाहर निकालना है और उसको ले लेना है। ठीक है, उसको ले लेना है। विद द हेल्प ऑफ अ पैर ऑफ फोर्सेप्स वी कैन पील ऑफ द स्किन कॉल्ड एपिडर्मिस। अभी जो ये स्किन होती है ना, ये ऑनियन की जो मैंने यहाँ पे दिखाया छिलका ऑनियन का, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं एपिडर्मिस बोलते हैं। ठीक है, अभी देखो, फ्रॉम द कॉन्केव स्लाइड इनर लेयर ऑफ द ऑनियन दिस लेयर कैन बी पुट इमिजिएटली इन अ वॉच ग्लास कंटेनिंग वाटर। अभी क्या होता है कि जो हमने जो लेयर निकाला ना, वो नियर जो लेयर है उसको तुरंत ही हमें एक वॉच ग्लास में डाल देना है जिसके अंदर पानी हो। दिस विल प्रिवेंट द पिल फ्रॉम गेटिंग फोल्डेड और गेटिंग ड्राई। तो ये क्या करेगा, अगर तुरंत ही हम उसको पानी में डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, ये फोल्ड नहीं होगा और ना ही ये ड्राई हो जाएगा। अगर ड्राई हो गया तो क्या होगा, जो अंदर के जो सेल्स होंगे ना, वो सेल्स है वो डेड हो जाएंगे। ठीक है, वट डू वी डू विद दिस पिल, अब हमें उसको करना क्या है। ठीक है, आगे देखते हैं। लेट अस टेक अ ग्लास स्लाइड पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट एंड ट्रांसफर अ स्मॉल पीस ऑफ द पिल फ्रॉम द वॉच ग्लास टू द स्लाइड। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, ग्लास स्लाइड लेनी है। ठीक है, और उसमें एक छोटा सा वाटर का वहाँ पे उसको डालना है, टिप्पा डालना है। ठीक है, अभी एंड ट्रांसफर करना है उसको कहाँ पे, स्मॉल पीस ऑफ पिल, मतलब हमें जो पिल निकालना है उस पर हमको वाटर के कुछ ड्रॉप्स डालने। अभी हमको क्या करना है, अभी हम वो जो ग्लास है ना, उस ग्लास पे हमको ये जो पील है ना, पील उसको उसके ऊपर चिपकाना है, मतलब उसको उसके ऊपर सिर्फ रखना है। ठीक है, तो खुना कुछ बच जाएगा। अभी हम उसको स्लाइड पे अगर हम उसको रख दे तो क्या हो जाएगा, अभी आगे देखते हैं। मेक श्योर दैट द पिल इज परफेक्टली फ्लैट ऑन द स्लाइड। अभी एक बात हमें ध्यान रखनी है कि जो पिल है ना, ये जो पिल है वो परफेक्टली एकदम फ्लैट होनी चाहिए। क्यों फ्लैट होनी चाहिए, अगर कोई फोल्ड फोल्ड हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, जो सेल्स है वो ठीक से नहीं दिखेंगे, वो सेल है वो ठीक से नहीं दिखेंगे। तो एक परफेक्ट फ्लैट होनी चाहिए वो, तो हमको ज़्यादा अच्छे से सेल्स दिखेंगे। ठीक है, अ थिन कैमल हेयर पेंट ब्रश माइट बी नेसेसरी टू हेल्प ट्रांसफर द पिल। ठीक है, एक कैमल हेयर का एक पेंट ब्रश आता है। ठीक है, तो ये ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है ये पेंट ब्रश, पील टू कहाँ पर ट्रांसफ़र करने के लिए, स्लाइड में ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है, अभी जो है ना, नाउ वी पुट अ ड्रॉप ऑफ सेफ्रेनिन सॉल्यूशन ऑन दिस पीस फॉलोड बाय अ कवर स्लिप। अभी हमें क्या करना है, ये जो पीस है ना उस पर सेफ्रेनिन सॉल्यूशन डालना है, सेफ्रेनिन सॉल्यूशन। ठीक है, टेक केयर टू अवॉइड एयर बबल्स व्हाइल पुटिंग द कवर स्लिप विद द हेल्प ऑफ माउंटिंग नीडल। तो हमें क्या करना है, अभी हम उसके ऊपर डालेंगे सेफ्रेनिन सॉल्यूशन, तो हमें उसको अवॉइड करना है कि एयर बबल्स ना बने। अगर एयर बबल्स बन गए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो एयर बबल्स नहीं बननी चाहिए। और वो कैसे होगा, एयर बबल्स क्यों कैसे नहीं बनेंगे, क्योंकि एयर बबल्स तो बनेंगे सेफ्रेनिन सॉल्यूशन डालेंगे तो। तो उसके लिए एक माउंटिंग नीडल आती है, मतलब एक नीडल आती है। ठीक है, एक टाइप की नीडल। अभी एक नीडल को हम क्या करेंगे, नीडल से हम उसको रखेंगे सेफ्रेनिन सॉल्यूशन को, और उसको क्या करेंगे, उसको अंदर डालेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, वो एयर बबल्स नहीं बनेंगे। अभी आस्क योर टीचर फॉर हेल्प, वी हैव प्रिपेयर्ड अ टेम्पररी माउंट ऑफ ऑनियन पील। ये सब नहीं देखना हमें। ठीक है, ये देखो, वी कैन ऑब्जर्व दिस स्लाइड अंडर लो पावर फॉलोड बाय हाई पावर्स ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अभी ये सब देखने के लिए हमें कौन सा माइक्रोस्कोप चाहिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप चाहिए। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक बार देख लेते हैं कि उसके उसमें क्या क्या होता है। तो देखो, सबसे ऊपर से स्टार्ट करते हैं, नहीं सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं। पहले आता है बेस आता है। ठीक है, बेस मतलब जिस पे ये खड़ा होता है, ये खड़ा होता है उसको क्या बोलेंगे हम, बेस। अभी यहाँ पे होता है एक मिरर, ये होता है एक मिरर, ये मिरर है एक। तो मिरर से क्या होगा, अगर आई पीस आ रहा है यहाँ पे, आई से हम लोग देख रहे हैं इसको, तो क्या होगा, ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट बाहर होगा। ठीक है,
जब यहाँ पे ऊपर जाएंगे अगर हम, तो यहाँ पे कंडेंसर है जो ये कंडेंस कर रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखे तो यहाँ पर एक स्विवल है, स्विवल को हम एक स्क्रू के भी हम बोल सकते हैं, ठीक है, स्क्रू जैसा को बोल सकते हैं। अभी यहाँ पे है वो स्टेज, स्टेज मतलब जहाँ पे हम लोग सब कुछ कर मतलब रखते हैं, ठीक है, ये उसको बोलते हैं स्टेज। अभी यहाँ पे है माइक्रोस्कोप स्लाइड, माइक्रोस्कोप स्लाइड मतलब हमारा जो जिस चीज़ पे हमें रखना है, हमारा हमारा जो भी है ऑनियन पिल, ठीक है, ऑनियन पिल का एग्जांपल लेते हैं, ऑनियन पिल को हम माइक्रोस्कोप स्लाइड में ऊपर रख देते हैं, नीचे रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लिप होती है जिसमें माइक्रोस्कोप स्लाइड से हटता नहीं है ये, ठीक है, ये क्लिप होती है एक, और ये होता है माइक्रोस्कोप, ठीक है। अभी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस मतलब यहाँ से हम लेंस देख सकते हैं और यहाँ से हम लोग, ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं लेंस से कि कितनी छोटी छोटे सेल्स हमें दिखते हैं लेंस से, ठीक है, लेंस के बिना कुछ भी नहीं है। अभी यहाँ पे है आर्म जो पीसेस यहाँ पे होल्ड करता है, पूरा का पूरा होल्ड करता है। अभी यहाँ पे है फाइन एडजस्टमेंट, फाइन एडजस्टमेंट एंड कोर्स एडजस्टमेंट किस लिए यूज़ होता है, क्योंकि ये सब एडजस्टमेंट के यूज़ करने के आपको कितना जूम करना है कितना नहीं करना, ये सब इस पे होता है। अभी ये जो बॉडी ट्यूब है, बॉडी ट्यूब यहाँ पे इस प्रकार के बॉडी ट्यूब होती है, ठीक है, ये एक सिर्फ क्या बोला जाता है, एक सिर्फ एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इतना कुछ इसमें है नहीं। और मेन जो बात हो रही है हमारी वो है हमारा लेंस, हमारा लेंस, हमारी क्लिप, हमारा माइक्रोस्कोप स्लाइड, हमारा ये मिरर, हमारा कंडेंसर और हमारा बी, ये सबका ही सबसे ज़्यादा काम होता है, और ये कोर्स एडजस्टमेंट और फाइन एडजस्टमेंट, ठीक है। और भी यहाँ पे हम लोग, अगर हम लोग यहाँ पे हमें ऑनियन पिल रखी, यहाँ पे इस साइड पे हमने ऑनियन पिल रखी, ऑनियन पिल, ऑनियन पिल, पिल रखी, तो अभी यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे हम लोग देखें अगर हम यहाँ से हम लोग देखें तो हमारा क्या होगा, ये जो है ना ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर हम क्या देखेगा, लेंस से हम जूम करेंगे, लेंस, लेंस से हम लोग जूम करेंगे, इसको बोल हम थोड़ा, ठीक है। अब यहाँ से हम देखेंगे तो क्या होगा, ये जो लेंस है उसको हम जूम करेंगे, ये लेंस को कि कितना हमको जूम करना है कितना हमें नहीं करना है, ठीक है। तो अगर वो करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, ये ऑनियन पिल हमें अच्छे से दिखने लगेगी, ठीक है। पर यहाँ से हमें उसको क्या, उसके लिए क्या करना होगा, कंडेंसर की ज़रूरत होगी, और प्लस जो अगर हमारे पास मिरर होगा ना, तो ये जो मिरर है ना वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो हमें अच्छे से ऑनियन पिल के सेल्स उनको दिखेंगे, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, वॉट डू वी ऑब्जर्व एज वी लुक थ्रू द लेंस, कैन वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर दैट वी आर एबल टू सी थ्रू द माइक्रोस्कोप और एन ऑब्जर्वेशन सीट शीट, ठीक है। डज इट लुक लाइक फिगर 5.2। अब ये सब ऑब्जर्वेशन अगर आपको करना है तो आपके पास अगर माइक्रोस्कोप हो या फिर आपके टीचर के पास माइक्रोस्कोप हो स्कूल में, तो फिर आप ये सब ऑब्जर्व कर सकते हो, और क्या ये ऐसा दिखता है, यहाँ पे दिया गया फिगर 5.2, यहाँ पे है सेल्स ऑफ एन ऑनियन पिल। तो ये क्या होता है, देखो यहाँ पे देखो, ये सब क्या है, ये सब है हमारे सेल्स, मतलब दिख रहे हैं ऐसे रूम रूम जैसा है, ठीक है। देखो एक रूम जैसा स्ट्रक्चर है, पूरा का पूरा देखो रूम जैसा स्ट्रक्चर है, तो हम इसको क्या बोलते हैं कि ये जो रूम जैसा स्ट्रक्चर जो है हमारा, हमारा रूम जैसा स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलेंगे, हमारा सेल, ठीक है। अभी अभी ये बहुत ही बड़ी ऑब्जर्वेशन थी उसके बाद, कि यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे छोटे छोटे डॉट्स भी है, देखो छोटे छोटे डॉट्स भी है, तो छोटे छोटे डॉट्स क्या है, छोटे छोटे डॉट्स होते क्या है, तो वो क्या है हमारा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस वो है, वो छोटे छोटे डॉट्स है। अभी जो न्यूक्लियस है ना वो हमारा ब्रेन ऑफ द सेल है, वो सब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, वी कैन ट्राई प्रिपेरिंग टेम्पररी माउंट्स ऑफ पिल, पिल्स ऑफ ऑनियन ऑफ डिफरेंट साइजेस, वॉट डू वी ऑब्जर्व, डू वी सी सिमिलर स्ट्रक्चर और डिफरेंट स्ट्रक्चर। अभी यहाँ पे, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर हम यही चीज़ पील ऑफ ऑनियंस में अगर हम फिर से करें, बट अगर एक पील ऑफ ऑनियन इतना था, इतने में करा, ठीक है, तो दूसरा इतने में करा, ठीक है, तो क्या वो जो स्ट्रक्चर थे, क्या वो जो सेल्स थे उसके, उसके जो स्ट्रक्चर था, उसका सेल का जो स्ट्रक्चर था वो चेंज होगा, होगा वो चेंज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो
उसके जो सेल थे पियोनियन किल्स के सारे सेल, ऐसा नहीं होता कि कोई बड़ा है एक छोटा है, अगर इतना भी छोटा ले लिया ना तो भी वो ये वाला सेल सेम होगा इस वाले से, ठीक है, सारे सेल्स ऑनियन के सेम होंगे। अगर वही चीज़ हम ये जो ऑनियन पिल है उसको हम एक प्लांट से कंपेयर करें, तो ऑनियन पिल का और प्लांट का अलग होगा, ठीक है, प्लांट का अलग होगा, अलग अलग सेल्स होंगे उसके। अभी आगे बढ़ते हैं, व्हाट आर दिस स्ट्रक्चर्स, ये सब स्ट्रक्चर्स क्या है, ठीक है। दिस स्ट्रक्चर्स लुक सिमिलर टू ईच अदर, टुगेदर दे फॉर्म अ बिग स्ट्रक्चर लाइक एन ऑनियन बल्ब। वी फाइंड फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट द ऑनियन बल्ब्स ऑफ डिफरेंट साइजेस हैव सिमिलर स्मॉल स्ट्रक्चर्स विजिबल अंडर अ माइक्रोस्कोप। द सेल्स ऑफ द ऑनियन पील विल ऑल लुक द सेम रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द ऑनियन दे केम फ्रॉम, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है कि ये स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, हमने एक्टिविटी से देखा कि एक हमारा जो सारे जो सेल्स होते हैं ना वो एक बड़ा सेल बना, बड़ा सेल तो नहीं बोल सकते हम, जो एक चीज़ बनाते हैं, एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, और वो ऑर्गेनिज्म हमें क्या बोला, हमने क्या देखा, एक लिविंग चीज़ वो थी ऑनियन पिल। तो ये सारे छोटे छोटे ऑनियन पिल के सेल जो होते हैं ना वो छोटे छोटे ऑनियन पिल से मिलकर वो क्या बनता है, ऑनियन पिल बनता है, और ऑनियन पिल से वो क्या बनता है, ऑनियन बनता है, हमारा पूरा का पूरा ऑनियन बनता है, ठीक है। तो ये उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। अभी यहाँ पे दिस स्मॉल स्ट्रक्चर्स दैट वी आर द बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ द ऑनियन बल्ब, दिस स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड सेल्स। नॉट ओनली ऑनियंस बट ऑल ऑर्गेनिजम्स दैट वी ऑब्जर्व अराउंड आर मेड अप ऑफ सेल, हाउएवर देर आर ऑल्सो सिंगल सेल्स दैट लिव ऑन देयर ओन, ठीक है। तो अब यहाँ पे स्मॉल स्ट्रक्चर जो है, हमारे जो सेल्स दिखे ऑनियन पील के, ठीक है, तो वो चीज सेल है ना वो बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स है, मतलब वो फंडामेंटल यूनिट है किसके, ऑनियन के फंडामेंटल यूनिट वो है, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलेंगे, जब फंडामेंटल यूनिट जो है ऑनियन का उसको हम क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे सेल्स, ठीक है, हम उसको बोलेंगे सेल्स। नॉट ओनली ऑनियन बट ऑल द ऑर्गेनिजम्स दैट वी ऑब्जर्व अराउंड आर मेड अप ऑफ सेल, तो सिर्फ ऑनियन में ही सेल नहीं होते, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सब में सेल होते हैं, ठीक है। और कुछ कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो कैसे होते हैं, जो सिंगल सेल से बनते हैं, मतलब वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सिंगल सेल से ऑर्गेनिज्म बनते हैं। तो ऐसे एग्जांपल देख लेते हैं, हम अमीबा देख लेते हैं, अमीबा है वो सिंगल सेल से बनता है, आगे वो भी आएगा, हम वो भी पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो यहाँ पे मोर टू नो है, एक बार उसको रीड कर देते हैं। सेल्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। वी ऑब्जर्व द सेल्स इन अ कॉर्क स्लाइस विद द हेल्प ऑफ अ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, ठीक है। तभी क्या हुआ, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया 1665 में, क्या किया, कॉर्क की जो स्लाइस होती है उसमें से उन्होंने सेल्स देखे, तो उस वाले सेल्स को बहुत बड़ी डिस्कवरी हो गई, ठीक है। तो वो किससे किया गया, वो एक प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से किया गया, मतलब पहला माइक्रोस्कोप वो था, ठीक है। तो प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप में क्या होता है, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप मतलब बहुत बेसिक माइक्रोस्कोप, मतलब हम लोग एक बोल सकते हैं कि माइक्रोस्कोप भी इवैल्यूएट होते हैं, ठीक है, इवोल्यूशन माइक्रोस्कोप में भी होता है। जैसे पहले हम क्या थे, पहले हम मंकीज जैसे थे, ठीक है, हम मंकीज जैसे थे, ठीक है, पहले तो वो प्रिमिटिव ह्यूमंस थे, ठीक है। वैसे ही माइक्रोस्कोप में सेम चीज़ है कि वो प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप जो पहले का माइक्रोस्कोप था, अगर हमारा माइक्रोस्कोप देखे तो वो मॉडर्न माइक्रोस्कोप है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे है। लुई वैन हॉक 1674 विद द इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड द फ्री लिविंग सेल्स इन पॉन्ड वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम। अभी क्या होता है, 1674 में लुई वैन हॉक जो होते हैं एक साइंटिस्ट, उन्होंने देखा कि ये तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया, हम भी थोड़ा इम्प्रूव माइक्रोस्कोप से हम देखते हैं, क्योंकि वो तो प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप था, ठीक है, बहुत बेसिक माइक्रोस्कोप था। तो उन्होंने बोला कुछ और ज़्यादा लेंस में कुछ और ज़्यादा बदलाव करने के बाद देखते हैं कि वो कैसे लगता है फिर से सेल्स। तो क्या करते हैं, वो एक पॉन्ड वाटर पॉन्ड में जाते हैं और उसमें वो अपना पॉन्ड वाटर लेते हैं अपना, ठीक है। तो पॉन्ड वाटर में वो क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप में रख देते हैं। तो जब वो देखते हैं ना, तो उनको फ्री लिविंग सेल दिखते, मतलब लिविंग सेल्स उनको देखते हैं। अब क्या था, रॉबर्ट हुक ने जब डिस्कवर किया था ना, वो डेड सेल्स थे। डेड सेल्स मतलब जो हमारा न्यूक्लियस था ना, मतलब जो हमने देखा, जो हम देखा सेल्स हमने देखे जो हनीकॉम का, ठीक है, हनीकॉम जैसा, तो उसमें जो न्यूक्लियस था वो एक ही जगह पे था, ठीक है। बट जो लुई वैन हॉक ने जो डिस्कवर किया ना, उसमें जो था जो न्यूक्लियस वो घूम रहा था, मतलब वो लिविंग था, ठीक है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म था,
वाटर में, तो फिर क्या हो गया, वो एक और डिस्कवरी बढ़ी आ गई कि जो सेल्स होते हैं वो डेड नहीं होते, वो लिविंग सेल्स होते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे देखते हैं, इट वॉज रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल। तो फिर रॉबर्ट ब्राउन जो होते थे 1831 ने कब सेल ढूंढना था, रॉबर्ट हुक ने, उन्होंने ढूंढना था 1665 में, और अभी देखो अभी कौन सा है 1831, मतलब कितने साल हो गए, ऑलमोस्ट 200 ईयर्स, ठीक है 170 ईयर्स ऑलमोस्ट। ठीक है, तो देखो अभी उन्होंने देखा कि ये जो छोटी छोटी जो डॉट्स है वो क्या चीज़ है, वो क्या चीज़ है, फिर उन्होंने ज़्यादा अच्छे से उनको देखा कि वो चीज़ एक्चुअली में है क्या। तो उन्होंने देखा कि वो जो चीज़ है वो क्या है, न्यूक्लियस है, वो चीज़ है वो क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, अभी एक और साइंटिस्ट यहाँ पे आते हैं सेल थियरी में, वो है पुरकिंजे साइंटिस्ट जो होते हैं, वो 1839 में क्या करते हैं, जो प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी करते हैं सेल में। ठीक है, जो एक फ्लूइड सब्सटेंस माना जाता है, पानी जैसा सब्सटेंस माना जाता है सेल में, जो कि प्रोटोप्लाज्म पहली बार डिस्कवर हुआ 1839 में, किसने डिस्कवर किया, पुरकिंजे साइंटिस्ट ने। ठीक है, द सेल थियरी दैट ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज ऑफ सेल्स एंड दैट द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ वॉज प्रेजेंटेड बाई टू बायोलॉजिस्ट, स्क्लेडन 1838 एंड स्क्वान 1839। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, इतने साल हो गए 1665 से, अभी हम आ गए 1838 में, मतलब बहुत सारे साल हो गए। ठीक है, बहुत साल हो गए, तो अभी क्या किया, अभी जो सेल थे, अभी जो हमें पता है, जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, सब चीज़ें सेल से बनी है, और सेल जो है वही बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, सेल है वही बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, वो किसने बताया, वो हमारा बताया टू बायोलॉजिस्ट ने, मतलब दो बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बताया, एक का नाम था स्क्लेडन और उसका नाम था स्क्वान, स्क्लेडन और स्क्वान। ठीक है, स्क्लेडन ने बताया 1838 में, स्क्वान ने बताया 1839 में। अभी ये सब हमने देखा, ठीक है, तो अभी और ज़्यादा इम्प्रूव माइक्रोस्कोप के साथ, द सेल थियरी वॉज फर्दर एक्सपांडेड बाई विर्चाओ भी बोलते हैं लोग, ठीक है, 1855 में, बाई सजेस्टिंग दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, देखो अभी सेल थियोरी को और ज़्यादा एक्सपांड किया गया, और ज़्यादा इम्प्रूव किया गया, ठीक है, किसने, विर्चाओ या फिर विर्चाओ, ठीक है, उन्होंने किया। अभी इन्होंने कब किया, 1855, देखो कितने साल हो गए, 190 ईयर्स बाद, सेल के डिस्कवरी के बाद 190 ईयर्स के बाद हमें पता चला, क्या पता चला, कि जो सेल थे, सेल जो बनते कैसे है, सेल बनते कैसे है, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है, मतलब एक सेल होता है वो एक दूसरे को डिवाइड कर देता है। ठीक है, उसको डिवाइड करने के बाद ही एक न्यू सेल्स बनते है। ठीक है, ये चीज़ हमें पता चली, किससे पता चली, विर्चाओ भी बोलते हैं। ठीक है, विद द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1940 इट वॉज पॉसिबल टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द सेल एंड इट्स वेरियस ऑर्गेनलीज। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर कब हुआ, 1940 में। ठीक है, 1940 में देखा उन लोगों ने, और ज़्यादा बहुत ज़्यादा इम्प्रूव माइक्रोस्कोप अभी तो आ गए थे 1940, हुआ कब था, 1665, मतलब बहुत लंबे समय बाद, ऑलमोस्ट 300 ईयर्स के बाद, ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आए, और उसके बाद उन्होंने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो सेल का है वो सब कुछ उन्होंने देखा, कि सेल किससे बनते हैं, बहुत सारी वेरियस ऑर्गेनलीज होती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, फिर न्यूक्लियोलस, फिर गॉल्गी बॉडीज, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सब लोग उन्होंने देखा। ठीक है, द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंसेज लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। इट इज़ नाउ नोन दैट द सिंगल सेल मे कंस्टिट्यूट अ होल ऑर्गेनिज्म एज इन अमीबा, कलामाइडोमोनस, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया। तो अभी क्या हुआ, जो इन्वेंशन था मैग्नीफाइंग ग्लास का, उन्होंने बहुत बड़ी डिस्कवरी की माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में, मतलब बायोलॉजी में बहुत बड़ी डिस्कवरी की माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, मतलब जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें। ठीक है, तो हमें ये भी पता चला इम्प्रूव माइक्रोस्कोप से कि एक ऑर्गेनिज्म, ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक ही सेल से बनते हैं, सिंगल सेल से बनते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिज्म्स कैसे होते हैं, एक है हमारा अमीबा, दूसरे यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, कलामाइडोमोनस एक एग्जाम्पल ये भी है, पैरामीशियम ये भी हमारा एग्जाम्पल है, और बैक्टीरिया
भी हमारा एग्जांपल है कि जो एक ही सेल से बनते हैं पूरी की पूरी बॉडी उनके फंक्शन करती है सिर्फ एक सेल से, ठीक है, एक ही सेल से फंक्शन पूरी की पूरी बॉडी उनकी करती है। अभी आगे बढ़ते हैं। दिस ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। सिंगल सेल को ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं यूनिसेल्यूलर। यूनि मतलब सिंगल, ठीक है, यूनि मतलब हम क्या बोलेंगे, सिंगल, ठीक है। तो अगर मीनिंग पूछे यूनि का मीनिंग क्या होता है तो हम बोलेंगे सिंगल। सो ये ऑर्गेनिज्म से उनको भी थोड़ा कुछ नाम वाम दिया जाता है, ठीक है, पैरामीशियम है, बैक्टीरिया है, क्लैमाइडोमोनस है, उनको नाम वाम दिया जाता है। फिर उनका टाइप कौन सा है ये भी बताया जाता है कि किस और किस टाइप के ये ऑर्गेनिजम्स है। तो वो है यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, मतलब सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, एक सेल के जो बनते हैं उनको यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स बताया जाता है। ऑन द अदर हैंड मैनी सेल ग्रुप टुगेदर इन अ सिंगल बॉडी एंड अज्यूम डिफरेंट फंक्शंस इन इट टू फॉर्म वेरियस बॉडी पार्ट्स इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी मीन्स मैनी, ठीक है। तो एक साइड पे ऐसा है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो एक ही सेल से बनते हैं, और दूसरे साइड ऐसा है कि बहुत सारे सेल, लाखों करोड़ों सेल, अरबों सेल मिल के एक सिंगल बॉडी बनती है, ठीक है, सिंगल बॉडी बनती है जिसमें वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस करते हैं। मतलब हमारी बात कर जाए तो कुछ सेल्स हमारे रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, कुछ सेल्स हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, तो ये सब कुछ सेल हमारे सोचने में हेल्प करते हैं, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग सेल्स होते हैं तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन भी करते हैं, और ये सब मिला के हमारे बॉडी पार्ट्स बनते हैं। तो ये वाले ऑर्गेनिजम्स को क्या बोला जाएगा, इन वाले ऑर्गेनिजम्स को भी सेपरेट किया जाएगा ना, कि इन ऑर्गेनिजम्स को नाम दिया जाएगा कि कौन से टाइप के ऑर्गेनिजम्स ये सब हैं। तो उनको नाम दिया गया मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। तो उन्होंने बोला कि उन लोगों को मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स नाम दे देते हैं। मल्टी मीन्स मैनी, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स तो नहीं, बहुत सारे सेल्स, ठीक है, बहुत सारे सेल्स मिलके एक ऑर्गेनिज्म बने तो उसको बोलेंगे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं सच एज सम फंगाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। तो कुछ फंगाई होती है, कुछ फंगाई ऐसी भी होती है जो सिंगल सेल्यूलर होती है, कुछ फंगाई ऐसी भी होती है जो मल्टी सेल्यूलर होती है, फिर प्लांट्स होते हैं, फिर एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स सब आ जाते हैं, हम भी आ जाते हैं, ठीक है, ह्यूमंस आर ऑल्सो एनिमल्स। कैन यू फाइंड आउट नेम्स ऑफ सम मोर यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, हमें कुछ और यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के नाम ढूंढने हैं, ठीक है। एवरी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हैज कम फ्रॉम अ सिंगल सेल, जो सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना वो कहाँ से आते हैं, सिंगल सेल में आते हैं, सिंगल सेल से ही आते हैं, बनते हैं। ये लाइन अंडरलाइन कर देना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म किससे आते हैं, एक ही सेल से आते हैं, ठीक है, सब कुछ बनता है सिर्फ एक ही सेल से, फिर बहुत ज़्यादा फिर बनते हैं सेल, ठीक है। सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल्स ऑफ देयर ओन काइंड, ऑल सेल्स थस कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है। तो ये सारे सेल्स डिवाइड हो जाते हैं और सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, सारे सेल्स डिवाइड करके और सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो सारे सेल जो है ना, जो सारे सेल बनते हैं वो किससे बनते हैं, वो पहले के जो सेल होते हैं ना उससे ही वो डिवाइड होके बनते हैं। मतलब जो नए सेल्स बनते हैं वो उसके भी जो पहले के जो सेल्स थे उससे को डिवाइड करके ही जो नए सेल्स बनते हैं वो उससे ही बनते हैं, ठीक है, ये बात हमें पता चल गई। अभी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक्टिविटी 5.2, वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग टेम्पररी माउंट्स ऑफ लीफ पील्स, टिप्स ऑफ रूट्स ऑफ ऑनियन और इवन पील्स ऑफ ऑनियन ऑफ डिफरेंट साइजेस। आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटी लेट अस सी व्हाट द आंसर टू बी टू द फॉलोइंग क्वेश्चन वुड बी, ठीक है। अभी यहाँ पे एक माउंट ऑफ लीफ पील्स लिया, मतलब लीफ पील्स का बहुत सारे लीफ पील्स लिए, ठीक है। फिर ऑनियन के जो ऊपर का होता है ना पार्ट, ऑनियन जो होता है ना ऑनियन, तो यहाँ पे उसके ऊपर का ऐसा होता है ना रूट्स, वो रूट्स जो होते हैं ना, वो रूट्स के भी कुछ सैंपल्स लिए गए, और जो पील्स होती है ऑनियन की, जो पील्स को भी कुछ सैंपल्स दिए गए, ठीक है। तो क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है ये क्वेश्चन, डू ऑल द सेल्स लुक अलाइक इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज, ठीक है। तो देखो जो लीफ पील्स है उनका शेप ऑब्वियसली चेंज होगा, उनके साइज भी चेंज होगी, ठीक है। जो टिप ऑफ रूट्स होंगे, टिप ऑफ रूट्स ऑफ ऑनियन, उसके भी सेल्स अलग होंगे, उनका भी शेप अलग होगा और साइज भी उनकी अलग होगी, ठीक है। डू ऑल सेल्स लुक अलाइक इन स्ट्रक्चर, नो इट इज़ नॉट, ठीक है। कुड बी फाइंड डिफरेंसेस अमॉन्ग सेल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट बॉडी,
ठीक है, तो बहुत सारे अलग अलग प्लांट में बहुत सारे सेल होते हैं जो अलग अलग परफॉर्म करते हैं, अलग अलग चीज़ परफॉर्म करते हैं, ठीक है, तो उनके भी बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। वॉट सिमिलैरिटीज कुड बी फाइन, और हमें कुछ सिमिलैरिटीज ढूंढनी है इसमें कि इन तीनों में कौन सी सिमिलैरिटीज होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स कैन ऑल्सो हैव सेल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स, लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर, इट डिपिक्ट सम सेल्स फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। तो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बहुत सारे, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बहुत सारे सेल्स से बनते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो एक ही टाइप के सेल्स से पूरा का पूरा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। उसमें भी अलग अलग टाइप्स होती है जो अलग अलग फंक्शन करेगा, उसमें भी जो अलग अलग होती है ना, अलग अलग शेप और साइजेस, वो अलग अलग क्या करेगा, अलग अलग फंक्शन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ हमारा ह्यूमन बॉडी का कुछ सेल्स दिए गए, कुछ सेल्स, कुछ टाइप ऑफ सेल्स दिए गए हैं। ठीक है, वेरियस सेल्स फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी यहाँ पे दिए गए हैं। ये जो सेल है ना, ये सेल यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये सेल क्या है, ये सेल क्या है, मसल सेल। जो मसल सेल होते हैं ना, ये ऐसे दिखते हैं, मसल सेल ऐसे दिखते हैं। ठीक है, फिर तो ब्लड सेल होते हैं, ब्लड सेल, तो ब्लड सेल कैसे दिखते हैं, ब्लड सेल ऐसे दिखते हैं, यहाँ पे गोल गोल होते हैं ब्लड सेल। इसमें दो टाइप्स के भी होते हैं, तीन टाइप्स के भी होते हैं, ठीक है, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। उसमें मेन टाइप्स ब्रॉडली होते हैं WBC एंड RBC, जो है रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं, जो है नर्व सेल्स। नर्व सेल्स मतलब जो न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स मतलब क्या, दिमाग में जो सेल्स होते हैं ना, उसको नर्व सेल्स बोला जाता है। उसमें बहुत सारे अलग अलग और काइंड ऑफ टाइप्स भी होते हैं इसके अंदर, और इसके अंदर अलग 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 चीज़, अलग अलग चीज़ फंक्शन अलग करती है। ठीक है, डेंड्रिट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ उसमें होती है। फिर जो ओव्यूम होता है, ओव्यूम भी एक हमारा सेल ही है जो फीमेल बॉडी में होता है, उसको एग्स भी बोला जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे बोन सेल, बोन सेल होते हैं, बोन के जो सेल होते हैं वो कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं गोल गोल, और उसके बाहर ऐसे स्टेम जैसा होता है। ठीक है, ये होते हैं हमारे बोन सेल। और जो स्पर्म होता है, स्पर्म ऐसा होता है, एक स्नेक जैसा स्पर्म होता है, ठीक है, ऐसा स्पर्म होता है, स्पर्म सेल्स ऐसे होते हैं जो मेल बॉडी में ज़्यादातर फाउंड किए जाते हैं। फिर फैट है, फैट सेल, तो फैट सेल जो होते हैं वो ऐसे दिखते हैं, फैट जो हमारी बॉडी में होता है ना, उसके जो सेल्स होते हैं वो कैसे लगते हैं, ऐसे दिखते हैं। ठीक है, बड़ा बड़ा सा सेल दिखता है इसमें। ठीक है, तो ये सब हमने डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स भी इसमें देखे। अभी आगे हम सेल्स के अंदर का भी सब कुछ देखेंगे। ठीक है, तो वो सब होगा पार्ट टू में। ये था पार्ट वन, पार्ट टू की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होगी और आई बटन में भी ऊपर दी गई होगी। ठीक है, तो मिलते हैं पार्ट टू में, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के पार्ट टू में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।